नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं जिम न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी को लेकर जांच तेज होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस अब एनसीबी दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस जल्द ही एनसीबी दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज की मांग एनसीबी से करने वाली है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रभाकर सैल द्वारा एनसीबी और क्रूज ड्रग्स मामले में स्वतंत्र पंच पर लगाए आरोपों की जांच कर मुंबई एसआईटी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अब एनसीबी दफ्तर का रुख किया है। एक अधिकारी ने बताया कि क्रूज ड्रग्स मामला जब सामने आया उस समय का और उसके कुछ समय पहले के फुटेज की मांग करेंगे। मुंबई पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अध्ययन करेगी और केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और सैम डिसूजा की एनसीबी दफ्तर में की गई एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी। मुंबई पुलिस को पता लगाना है कि आखिर एनसीबी दफ्तर में ये तीनों क्या-क्या कर रहे थे। यानी कि जिस समय आर्यन खान को वहां लाया गया उस समय की इनकी आर्यन के साथ की एक्टिविटी और जब सैम एनसीबी ऑफिसर में था उस समय की उसकी एक्टिविटी की जांच की जाएगी। बता दें कि मुंबई पुलिस को अब तक ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिला है जिससे कि वसूली के तार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े या एनसीबी के किसी दूसरे अधिकारी के साथ जोड़े जा सकते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने जाँच में पाया है कि इस मामले में गोसावी द्वारा वसूली की गई है। तो यदि आज की खास खबर, इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जिम न्यूज के साथ।